हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास टेंथ का चैप्टर 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके बच्चों, एपी की आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का पेज नंबर 23 है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, तो क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियो पसंद आए और अपनी प्रेजेंट, अब अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो अपनी प्रेजेंट लगाने के लिए आप हमारे इस वीडियो के लाइक बटन पर जल्दी से प्रेस कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। ओके चलो, साथ ही साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फोर टर्म एंड एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। बच्चों बहुत ईजी है, कह रहा है कि द सम ऑफ द फोर टर्म और एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 24। यानी कि फोर टर्म और एट टर्म को आप ए पी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखेंगे? चलो गिवन करके लिखते हैं अपन, आ जाइए हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस। बच्चे कह रहे होंगे सर देखिए हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस की थ्री डी, ए प्लस की थ्री डी प्लस ए प्लस के 7D, ठीक है, इजकल्स टू में इन दोनों का सम क्या है बेटा 24। देखिए सर ऐसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों इस तरीके से लिखते हैं ना। चलो अच्छी बात है, अब आगे की बात करते हैं। द सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड टर्न टर्म 10 टर्म इज 44। यानी कि यहाँ पे इसको हमने क्या करा, जी हमारी इक्वेशन जो दिख रही है ना, जी एक टर्म जी हो गई एंड सेकेंड टर्म कौन सी है भाई, कौन सी भाई, सिक्स टर्म। यानी सिक्स टर्म को कैसे लिखते हैं बेटा, देखिए सर देखिए ऐसे लिखते हैं ए प्लस के फिफ्थ टर्म यानी 5D प्लस के और 10 टर्म यानी कि ए प्लस के 9D इजिकल्स टू में क्या है बेटा 44। हाँ देखिए सर ऐसे लिखते हैं। अच्छा बच्चों गुड बॉय, अच्छी बात है आपने इस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट किया है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, सिंपल आपको बोला गया है कि पहली और दूसरी यानी फोर टर्म और एट टर्म है ना, इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, 24 के बराबर है। और ऐसे ही सिक्स टर्म और टेन टर्म, इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, 44 के बराबर है। उसको हमने प्रेजेंट किया है, ए प्लस के 3D होता है फोर टर्म, ए प्लस के 7D होता है एट टर्म, ए प्लस के 5D होता है हमारा सिक्स टर्म, ए प्लस के 9D होता है हमारा 10 टर्म, जो कि है 44 के बराबर और ये 24 के बराबर। हमें क्या करना है बच्चों, इस चीज़ को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मान ली। चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आप क्या करें, यहाँ लिखें और जोड़ दीजिए, ए प्लस के 3D प्लस, ब्रैकेट खोल दीजिए बच्चों कोई इशू नहीं है, ए प्लस के 7D इजिकल्स टू में 24, ए और ए कितने हो जाएंगे 2A प्लस 7 और 3 10A 10D इजिकल्स टू में 24। कुछ कॉमन आ रहा हो तो बच्चों कॉमन लेके इसको इक्वल के बाहर ले जाके डिवाइड में ला के काट दो, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस के, देखो यहाँ से जो भी चीज़ का कॉमन लेते हैं उस चीज़ को हम डिवाइड मारते हैं, 2 को कॉमन लिया तो 2 यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 आएगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 5 10, यानी ये 5D बचेगा यहाँ इजिकल्स टू में, इसको जो 2 आएगा ना उसको अब इक्वल में यहाँ भेजोगे डिवाइड में, तो बेटा 24 कटेगा, 2 1 2 2 2 के पाड़े में 2 1 2 और 2 2 4 यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये इक्वेशन जो हमारी आई है ना, एक इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। ठीक है बच्चों, अच्छा आप में से किसी का डाउट है क्या कि ये 2A प्लस के 10D प्लस 24 कैसे सॉल्व करा सर, तो देखो बेटा जिस भी चीज़ को आप कॉमन लेते हो ना, वो चीज़ आपकी क्या होती है, क्या नाम है, एक डिवाइड में भी आती है। यानी कि यहाँ पर आप 2 कॉमन लेओगे तो 2 का डिवाइड मार दो, ठीक है, दोनों साइड 2-2 कॉमन ले लो, 2 का डिवाइड मारो, मतलब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 5 बार कट गया ये, और ये 2 से ये 12 बार कट गया, तो यहाँ पे a बचेगा प्लस के 5D प्लस के इक्वल टू में 12 बचेंगे, तो a प्लस के 5D इज इक्वल टू में 12 बचेंगे। ओके बच्चों समझ में आ गई ना बात, जिस भी चीज़ को कॉमन लेते हैं उस चीज़ का आप डिवाइड मार दो, दोनों साइड हम 2 कॉमन ले रहे थे तो 2 का ही डिवाइड मार दिया हमने। ठीक है चलो, अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से सेकेंड इक्वेशन को भी डायरेक्ट जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व कर दो, a प्लस के 5D प्लस a प्लस के 9D इजिकल्स टू में 44। ऐसा करने से हमें क्या होगा, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी, तब जाके हमारी आगे वैल्यू निकलेगी। एपी की सीरीज समझते हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स यानी कि कौन कौन सी होती है बेटा, फर्स्ट थ्री टर्म्स हमारी होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D
कॉमा डैश डैश, बाकी तो सीरीज होती चलती रहती हैं, लेकिन हमें पहली तीन टर्म निकालनी तो पहली तीन टर्म ही होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो इतनी बात समझ में आ गई तो चलो आगे बढ़ते हैं। ए और ए, टू ए प्लस नौ और पाँच कितने हो जाएंगे बेटा, फोर्टीन डी इजिकल्स टू में 44। कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से, टू ही कॉमन आ रहा है बच्चों, टू कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बचेगा। यहाँ पे टू कॉमन लिया तो बेटा यहाँ सेवन बचेगा, और यहाँ पे टू कॉमन लिया तो 22 बचेगा। आ गई वैल्यू समझ में, इक्वेशन नंबर फोर मान। ठीक है, अब क्या करना है बेटा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अब देखो करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, पहली इक्वेशन से हमने तीसरी इक्वेशन निकाली, दूसरी इक्वेशन से हमने फोर्थ इक्वेशन निकाली। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, ऐसी कंडीशन बनानी है कि ए से कैंसिल हो जाए और डी की वैल्यू आ जाए, जैसे कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा तो बाकी वैल्यू भी निकल जाएंगी। तो हम क्या करते हैं बच्चों कि फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फोर माइनस इक्वेशन थर्ड। ओके बच्चों, चलो ए प्लस के सेवन डी, हम देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली, मतलब LHS और RHS सुना है आपने, लेफ्ट हैंड साइड और RHS होता है मतलब राइट हैंड साइड, तो जे वाली साइड ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये होती है राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों की सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड वाली हम दोनों की सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, LHS कहते हैं जिसे हम, तो ए प्लस के सेवन डी माइनस ए, माइनस के हो जाएंगे अंदर माइनस का इंटू करेंगे तो ये भी माइनस, तो माइनस के 5d हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इजिकल्स टू में ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो 22 में से 12 जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ना बात, चलो a प्लस के हैं माइनस के कैंसल, 7d में से 5d जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे 2d बचेंगे, 22 में से 12 जाएंगे बेटा, कितने बचने चाहिए, यहाँ बचेंगे 10 बचेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा 2 से हमने 10 को काटा कितनी बार, 5 बार, तो कॉमन डिफरेंस हमारे यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू हमारी 5 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, फर्स्ट थ्री टर्म्स की बात की जा रही है, तो कौन कौन सी फर्स्ट थ्री टर्म्स होती हैं, राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है तो बच्चों माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d, और एक और टर्म लिख लें क्या, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा डेड डेड। ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है वैसे तो, लेकिन एक और टर्म लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, वो तो अपन ऐसे ही लिख रहे हैं, बाद में सॉल्यूशन में नहीं लिखेंगे, आंसर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, पहली टर्म a, a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए निकालने के लिए हमें पहले नंबर डी की वैल्यू ऐसी जगह पुट करनी पड़ेगी जिससे हमें ए की वैल्यू पता चल जाए। तो जो चारों टर्म चारों इक्वेशन हैं, इन चारों इक्वेशन में से कहीं भी रख दो, तो सबसे इजी मेरे को थर्ड इक्वेशन लग रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जो मैंने थ्री टर्म्स लिख दी है बट सॉल्यूशन हमारी रह गई है वो लिख देते हैं हम पहले। नाउ ए प्लस के 5d इजिकल्स टू में क्या है बेटा 12, डी की वैल्यू हमने रख दी ए प्लस के 5 × 5 इजिकल्स टू में 12 आ गया। ठीक है बच्चों, 5 × 5 कितने होते हैं बेटा 25, इजिकल्स टू में कितना आ गया 12, इक्वल टू में 25 प्लस के हैं, यहाँ इक्वल के बाहर माइनस के हो जाएंगे, तो 25 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों 25 में से 12 जाएंगे, 8 बचेंगे यहाँ और यहाँ बचेंगे 5, 8 और 5 कितने होते हैं बेटा 9, 10, 11, 13, 13 बचेंगे, 13 कौन से माइनस के बचेंगे बेटा, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 13 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि वैल्यू जब इक्वल के बाहर गई तो ये तो बड़ी वैल्यू थी, तो माइनस करा तो माइनस की वैल्यू तो आएगी भैया, है ना, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो ये माइनस के आ गए। अब बेटा देखो हमें ए की वैल्यू भी पता है, हमें डी की वैल्यू भी पता है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन इस सीरीज में पुट कर देते हैं, कौन सी सीरीज में, सो नाउ अगेन नाउ नाउ अगेन कह लो या अगेन नाउ, ओके चलो ए की वैल्यू क्या है बेटा माइनस के 13 लिख दीजिए कॉमा, यहाँ ए की वैल्यू रखी है आपने माइनस के 13 प्लस डी की वैल्यू 5 रख देते हैं कॉमा, तीन वैल्यू तक निकालें तो तीन सीरीज लिख देते हैं केवल। ठीक है, माइनस के 13 प्लस के 2 × d की वैल्यू क्या है 5, ठीक है कॉमा डेज माइनस के 13 तो एज इट इज रहेगा, माइनस के 13 में से 5 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे 5 जाएंगे, तो हमारे बचने चाहिए
तीन जाएंगे, आठ बचेंगे, माइनस के आठ, ठीक है, समझ में आई कॉमा। अब यहाँ देखो, फाइव टू जा टेन, टेन माइनस के थर्टीन में से टेन जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे, माइनस के थर्टीन में से टेन जाएंगे तो हमारे बचेंगे बेटा थ्री, माइनस की कॉमा, जेस जेस जेस। तो बेटा हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स ये रही हमारी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो बच्चों तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे सोशल मीडिया हैंडसेट पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सोशल मीडिया पर हमसे जुड़िए, और हमारे जो भी अपडेट्स होंगे वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, या आगे अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड, वो सारे आपको वहीं की वहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।